हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इज एक्शन। तो हम लोग का दिल्ली पुलिस का सीरीज चल रहा है जीएस का। आज हम उसका पार्ट जो है 11 करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। इसमें जितने भी जीएस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे यहाँ पर सेलेक्ट करके लाई हूँ मैं। जीएस का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट है 41 से, गंगा को हराया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में 41 से स्टार्ट क्वेश्चन है। किस युद्ध में बाबर ने रागा सांगा को हराया था? हर्षम राज, हनो, शंभू कुमार है, कैसे हो? किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? पानीपत, खांडवा। ऑप्शन सी में बक्सर, ऑप्शन डी में चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खांडवा हो जाएगा। टाइमिंग क्या था? 1527, ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर सेना के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोरा है? गलत है हीराकुद, महानदी, ऑप्शन बी में पोचपन्दाद, गोदावरी, ऑप्शन सी में नागार्जुन सागर, कावेरी, और ऑप्शन डी में भाखड़, भकना नागर, सतलज। क्वेश्चन नंबर 42, लैब 10 बजे स्टार्ट हो जाती है तो टाइम से लैब ज्वाइन कीजिए। लैब में जुड़ते हैं तो लैब को लास्ट तक ज़रूर बनिएगा, तभी सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएगी, रिपेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 43, संसद के संयुक्त सत्र की अधिकारी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभापति, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में दो चार पॉइंट जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है दोनों सदनों के बीच गतिरोध जारी रहने की स्थिति में 6 माह से अधिक समय तक किसी सदन की बैठक न होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बस का इंतजार करते हुए 20 मिनट के लिए 15 किलो का संदूक उठाने में किया गया कार्य? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 चल रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, का प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित की जाने वाली परमा देशों के प्रकारों की संख्या है कितनी? 3, 4, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में 6 है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह जो है संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भाग 3 में मौलिक अधिकारों को हनन होने पर परमादेश रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊंचे उड़ते हुए वायुयान 46 का, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है इसलिए जो है फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है, बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राजमार्गों पर पानी परे होने का एहसास होता है, पानी की तरफ पहुंचने पर पानी गायब हो जाता है तथा वह जो है दूर दिखाई देता है, तो यह किस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, हॉकी, टेबल टेनिस, ऑप्शन डी में भारोत्तोलन से, तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 चल रहा है,
क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किसी से संबंधित है तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी संबंधित है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, स्वर्गीय महाराजा मनमथ राय चौधरी के नाम पर जो है इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है संतोष ट्रॉफी। किसके नाम पे रखा गया है? तो मनमथ राय चौधरी के नाम पे रखा गया। और इस टूर्नामेंट का आयोजन कब किया गया था? तो 1941 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष में 2 बार, दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होते हैं हीरे में, पानी में, निर्वात में। ऑप्शन डी में है, हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 51 है, कितने देश सार्क संगठन के सदस्य है? 10, 9, 8। 51 है, कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 51 हुए हैं तो चैनल को, जो भी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें, पहले से ज्वाइन कर चुके हैं वो लाइव को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1950 कब की गई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। और आरंभ में इसके देशों की संख्या 7 थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है स्थापना के टाइम में देशों की संख्या 7 थी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इतने सारे शामिल थे। और सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो अब कितने देश है? तो 8 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अस्थायी या पूर्ण तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है? ऑप्शन ए न्यूटन का, पास्कल का, ऑप्शन सी में आर्किमिडीज का, और ऑप्शन डी में हुक्स का। क्वेश्चन नंबर 52, आप लोग जो है डेली लाइव को ज्वाइन कीजिए, टाइम से लाइव को ज्वाइन कीजिए। टाइम पता ही है आप लोग को, टाइम कितने बजे है उसका लाइव का। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुधीर कुमार पाठक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 53 जो है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किसी से रिलेटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। नेक्स्ट को नेक्स्ट है ऑप्शन सी में अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का हो जाएगा प्रोटीन। लास्ट क्या बचा है? एसेटिक एसिड, ये सिर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में नगद संचित अनुपात बढ़ाकर, बी में रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, सी में रेपो रेट घटाकर, और ऑप्शन डी में एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में है रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, और सी में क्या है? सी नहीं होगा उसका, और उसका तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ कीजिए ऑप्शन डी यानी कि ए एवं दो बी दोनों हो जाएगा। ए में है नगद संचित अनुपात बढ़ाकर और बी में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निसेट किस देश की सांसद का नाम है? अगला क्वेश्चन है, निसेट किस देश की सांसद का नाम है? नार्वो, स्वीडन, ऑप्शन सी में इजराइल और ऑप्शन डी में स्पेन। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, निसेट किस देश की सांसद का नाम है? क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशवा स्कीम किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशवा स्कीम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 चल रहा है। 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, 90 East Ridge कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, 90 East Ridge कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऑप्शन सी सागर। 90 East Ridge कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 57, 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में क्या है? हिंद महासागर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या न्यायालय संसद की कार्रवाई? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं, न्यायालय को कोई क्षेत्र अधिकार प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, किसका प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किसका प्रयोग वातावरण को जो है, मतलब किस चीज का प्रयोग करने से वातावरण जो है प्रदूषित हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नायलॉन क्लॉथ कैरी बैग के उपयोग करने से वातावरण में काफी ज्यादा प्रदूषण फैल जाते, क्योंकि ये गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोयला या पेट्रोलियम आधारित ईंधन जलाया जाता है, दहता से उत्पाद उत्पन्न होता है, इन ईंधनों के सभी उत्पाद की दह्यता से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में वाटर, ऑप्शन बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? आप लोग जितने भी लाइव को ज्वाइन करते हैं, लाइव को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? ऑप्शन ए में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रक्त में शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संपूर्ण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे मैं बात करूंगी लाल रक्त कोशिकाएं की, तो 45% होता है। और क्या है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो 54.3% होती है प्लाज्मा की। और सफेद रक्त कोशिकाएं की मात्रा लगभग 0.7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ उत्सर्जित करता है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, केचुआ उत्सर्जित करता है यूरिया, अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी में अमोनिया और डी में है यूरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ उत्सर्जित करता है, क्वेश्चन नंबर 62, तो केचुआ क्या उत्सर्जित करता है? अमोनिया उत्सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीलीपद किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीलीपद किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, क्रिकेट, शतरंज, ऑप्शन डी में मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 चल रहा है। जितने भी आप लोग नए चैनल से जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिल्लीपद किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिली खेल जो है इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 64, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत? ऑप्शन सी में यकृत। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मियादी ज्वर में शरीर में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है आंत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर बीटा है। और विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से, यहाँ पे बात करूँगी मैं कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण से जो है शरीर में रिकेटस रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पोल्टी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित होता है? ये दिल्ली पुलिस का जीएस का क्वेश्चन है सारे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टडी स्टेट यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, 26 नवंबर 1949 को जो अस्तित्व में लाया गया था, आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 388 के तहत तो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मतलब ऑप्शन से यहाँ पे बताना है, अभी के बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ऑप्शन से आपको बताना है। सबसे पहली बात किया जा रहा है, करेंट की नहीं है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता किरी मुर्मू, और ऑप्शन डी में है राजेंद्र कौर भट्टल। तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब की कौन थी? क्वेश्चन नंबर 69, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कौर भट्टल सबसे पहली मुख्यमंत्री थी महिला। अश्वग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? टीयर गैस, लाफिंग गैस, एनएथेसिक गैस, और ऑप्शन डी में नोबेल गैस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टीयर गैस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टीयर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिदेसी जो कि एक प्राचीन लेख है उसमें उपस्थिति कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? ये सारे दिल्ली पुलिस के जीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग लैब ज्वाइन कीजिए, सारे यहाँ से जीएस का क्वेश्चन कवर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर के शनमुगम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? डेसीबेल, ऑप्शन बी में शोन, सी में हर्ट्ज और ऑप्शन डी में फोन। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैकेलेट क्या है? ऑप्शन ए में सॉल्यूशन, ऑप्शन बी में एसिड, सी में बेस और ऑप्शन डी में पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 74, आप लोग लाइव को ज्वाइन करते हैं तो लाइव को लास्ट तक बने रहिए, तभी सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, सकते यानी यहाँ पे डॉट डॉट है, खाली है, तनाव को किस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? स्केलर, वेक्टर, ऑप्शन सी में फशर और ऑप्शन डी में टेंशर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? और आप लोगों को पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 76, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8ों राज्यों का यहाँ पर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? आरबी है और ऑप्शन बी में है एससीआईडीआई, ऑप्शन सी नवाद और ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवाड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2016। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया था? क्वेश्चन का ऑप्शन दो यहाँ है तो दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है? हो गया यहाँ पे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेबनाथ झील। वेबनाथ झील कहाँ पे? केरल। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लेटेराइट मिट्टी मिल सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लेटेराइट मिट्टी मिल सकती है? क्वेश्चन नंबर 81, 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में मिलता है लेटेराइट, गुलाबी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 82, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी में क्या है, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगपो, मेघना और शांगपो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी के अनेक नामों हैं, इसी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की संरचना है? क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज की संरचना है, पंचायती राज की संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा इकलौता एथलीट है जिसने 1900 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या हो जाएगा?
ए में क्या है? नारवन पिचयार्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, कंटेंट अनट्रेसेबल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्रोक्टोज का सूत्र क्या होगा, यानी फ्रोक्टोज का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो जाएगा C6H12O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन धनविधेय के बारे में सही नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन धनविधेय के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनविधेय को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन धनविधेय के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे बात करूंगी आर्टिकल 110, यानी आर्टिकल 110 में ही प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल, आर्टिकल 110 है तो लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीवास्तव। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय ऑप्शन डी में नासिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा है तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।